हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं अभ्यास कुमार, स्वागत है आपका पेपर हैकर्स में। चलिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। स्टार्ट करते हैं फिनॉल्स। इस सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल्स क्या है, उनकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिनॉल्स। देखिए अगर हम बात करें फिनॉल्स क्या है, तो बे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन न्यूक्लियस से, किसमें बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट OH लगा हो, मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये बेंजीन है और इसमें ये बेंजीन का न्यूक्लियस इससे क्या लगा है, डायरेक्ट OH लगा है, तो जिनमें बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट OH लगा होता है वो क्या कहलाते हैं, फिनॉल कहलाते हैं। यानी बे कंपाउंड जिनमें बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्टली OH ग्रुप लगा होता है क्या कहलाते हैं, फिनॉल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, फिनॉल्स कहलाते हैं। अब OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, ये जो OH ग्रुप है इसकी संख्या के आधार पर इनको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, यानी तीन भागों में विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स क्या है, जिनमें एक OH ग्रुप लगा होता है, क्या लगा हो, एक OH ग्रुप लगा हो, यानी ऐसे फिनॉल्स जिनमें एक OH ग्रुप हो। और फिनॉल्स क्या होते हैं, जिनमें बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट एक OH ग्रुप लगा है, जैसे यहां लगा है बेटा, इसे यहां लगा दें या इसे यहां लगा दें कोई बात नहीं, एक ही बात है, ये और ये एक ही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स कहलाते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, फिनॉल है। ठीक है, आईपीएसी नेम भी इसका नाम फिनॉल है। मगर यहां की अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड में क्या बेटा, अगर आप ये फिनॉल लें, ये देखिए एक OH ग्रुप है, बस इन्होंने यहां पर CH3 लगा दिया, इसका नाम हो गया आर्थोक्रिसोल। यानी अगर हम इस ग्रुप को हाइड कर लें, इस ग्रुप को अगर हाइड कर लें तो बेटा ये फिनॉल ही तो है, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स है, ये उसका डेरिवेटिव है क्रिसोल। अगर ये आर्थो पोजिशन पर लगा है तो इसे बोलेंगे आर्थोक्रिसोल। अगर बेटा ये मेटा पे लगा है तो मेटा क्रिसोल बोलेंगे इसे, यहां देखिए OH और CH3। अगर ये CH3 हमारा कहां लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, दिस एंड दिस, तो इसे कहेंगे ये मेटा क्रिसोल है और ये है हमारा पैरा क्रिसोल। क्लियर है, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स हैं, यानी जिन ऐसे फिनॉल्स जिनमें एक OH, एक बेंजीन न्यूक्लियस है, एक OH लगा होगा, क्या कहेंगे उन्हें, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स कहेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए डाइहाइड्रिक फिनॉल्स क्या है, तो डाइहाइड्रिक फिनॉल्स की अगर हम बात करें, अगर डाइहाइड्रिक की बात करें तो क्या कहेंगे, देखिए अगर यहां लगे हुए हैं ये इस तरीके से, यहां OH और OH यहां लगा हुआ, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, OH और OH यहां लगे तो इसका नाम हो जाएगा कैटेचॉल। क्या हो जाएगा, कैटेचॉल, CATECHOL, कैटेचॉल। ठीक है, अगर दो OH कहां लगे हुए हैं, एक दूसरे से पैरा पे लगे हुए हैं यहां, तो इसका नाम हो जाएगा रिसॉर्सिनॉल। ठीक है, और इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा क्विनॉल कहेंगे इसे, अगर दोनों पैरा पे लगे तो पैरा क्विनॉल कहेंगे। ठीक है बेटा, ये था डाइहाइड्रिक फिनॉल्स। अब जरा देखिए ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स की अगर हम बात करें, तो यहां देखिए ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में क्या है, ऐसे फिनॉल्स जिनमें तीन OH ग्रुप हो, यानी अगर बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट तीन OH ग्रुप लगे हैं तो उसे क्या कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। इसका नाम है, पहला है पैरागैलाल, पायरोगैलाल कहेंगे इसमें, और ये अगर दो चार और छह वाली पोजीशन पे है तो उसे कहेंगे फ्लोरोग्लुसिनॉल कहेंगे। ठीक है, और अगर इस कंडीशन में है तो हाइड्रोक्सी क्विनॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी क्विनॉल कहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच ना हो बल्कि साइड चेन से जुड़ा हो, तो उन्हें फिनॉल नहीं कहते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उन्हें एल्कोहल कहते हैं। किस श्रेणी में रखेंगे,
एल्कोहल की श्रेणी में रखेंगे, एल्कोहल की सीरीज में रखेंगे, यानी जिनमें अगर बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट OH बेंजीन न्यूक्लियस से लगा है तो फिनॉल है, और अगर कहीं डायरेक्ट OH हमारा बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट नहीं लगा है, वो किसी कार्बन चेन के थ्रू लगा, ये देखिए ये यहां लगा, बेंजीन न्यूक्लियस से नहीं लगा, कार्बन से लगा इससे, तो बेटा ये एल्कोहल है, फिनॉल नहीं है, दिस इज एल्कोहल। और ये कौन सा एल्कोहल है? बेंजाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? बेंजाइल एल्कोहल। एल्कोहल की श्रेणी में आएंगे, ठीक है, ये बेंजाइल एल्कोहल है, क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे OH कंटेनिंग कंपाउंड, अब ये तो नहीं कि जितने जिनमें सब में OH है तो सब एल्कोहल है या सब में OH है तो सब फिनॉल है, ऐसा नहीं। अगर OH हमारा किससे लगा है, मैंने आपको बताया था ऐसे कार्बन से लगा है जो sp3 है तो वो एल्कोहल है। अगर OH कहां लगा? बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट लगा है तो क्या है? फिनॉल्स है, क्लियर है। अब जरा देखिए क्वेश्चन है, ये तो जनरल सा इंट्रोडक्शन था, यानी अगर हम बात करें तो फिनॉल का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ फिनॉल आर कार्बोक्सिलिक नहीं कार्बोलिक एसिड। हाँ देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका किससे कराते हैं? कोलतार से। कोलतार तो देखा होगा आप लोगों ने, तो कोलतार का हम क्या कराएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रभाजी आसवन। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। होता क्या बेटा, इसमें किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मिक्सचर को एक टेम्परेचर के धीरे धीरे इंक्रीजमेंट में, यानी कोई टेम्परेचर हम पहले थोड़ा कम रखेंगे फिर बढ़ाएंगे फिर बढ़ाएंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे? उसका डिस्टिलेशन कराते हैं। तो अगर हम जब भी कोलतार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो उसमें हमें 5 टाइप के फ्रैक्शंस मिलेंगे, कंपोनेंट्स मिलेंगे। पहला जो हमारा 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? लाइट ऑयल ऑफ फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? लाइट ऑयल ऑफ फ्रैक्शन। सबसे हल्का होगा, लाइट ऑयल ऑफ फ्रैक्शन होगा। इस लाइट ऑयल ऑफ फ्रैक्शन में होगा क्या बेटा? इसमें होगा बेंजीन, टॉलुइन और जाइलीन। ये मिक्सचर किस किस का होगा? इसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा? बेंजीन होगा, टॉलुइन होगा या फिर जाइलीन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोलतार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे। ऐसा जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? लाइट ऑयल ऑफ फ्रैक्शन मिलेगा अप टू 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस तक जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा उसका नाम होगा लाइट ऑयल ऑफ फ्रैक्शन। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कोलतार का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो 200 डिग्री सेल्सियस तक जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो लाइट ऑयल ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? वो कंपोनेंट होते हैं बेंजीन होता है, टॉलुइन होता है और जाइलीन, इनका मिक्सचर मिलता है। फिर हम करेंगे जब 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारी जो टेम्परेचर की रेंज होगी वहां पर जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा उसका नाम होगा मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन क्या करेगा? इसमें क्या होगा बेटा? फिनॉल होगा, नेफ्थलीन होगी और क्रिसॉल होगा, ये तीन कंपोनेंट इसमें होंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा जैसे ही टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचा फिर कहेंगे इसे हैवी ऑयल ऑफ फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? हैवी ऑयल ऑफ फ्रैक्शन। इसमें बेटा क्या होगा? नेफ्थलीन और क्रिसॉल होंगे, ठीक है। फिर आप जैसे ही और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 300 से 350 के बीच तो जो फ्रैक्शन मिलेगा उसका नाम होगा ग्रीन ऑयल ऑफ फ्रैक्शन। ग्रीन ऑयल ऑफ फ्रैक्शन मिलेगा और इसमें जो मेन कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? एंथ्रासीन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जरा देखिए, अब आपने 350 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया टेम्परेचर, अब 350 डिग्री सेल्सियस तो बेटा क्या मिलेगा? वो मिलेगा, वो सिर्फ ब्लैक ब्लैक होगा, उसका नाम होगा रेजिड्यू, ओनली रेजिड्यू कहेंगे उसे। और उसमें स्पेशली जो होगा वो क्या होगा? कंपोनेंट कौन सा होगा? कार्बन का होगा। अब हमारा जो मेन टास्क है वो क्या है? फिनॉल की प्रिपरेशन। तो हमें ये कंपोनेंट तो सारे देखने हैं मगर हमें उठाना किसको है? हमें उठाना है मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन को। क्यों? क्योंकि फिनॉल हमारा यही है, ठीक है। तो हम उठा लेते हैं मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन को
और देखिए लिखा है सबसे पहले मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन को कूल करके, क्या करेंगे कूल करेंगे, जब आप कूल करेंगे तो जो नेप्थिलीन है ये बेटा क्रिस्टलाइन फॉर्म में अलग हो जाएगी, सेपरेट मींस अलग हो जाएगी। यानी जब हमने मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन लिया कितना टेम्परेचर था, देखिए 200 से 250 था, मतलब उबल रहा होगा, उस कंडीशन में जब आपने उसे लिया आपने कूल कर दिया, जब आप कूल करेंगे तो जो इसमें जो मेन कंपोनेंट था क्या क्या था, फिनॉल था, नेप्थिलीन था, क्रिसॉल था, तो जो नेप्थिलीन था ये बेटा क्रिस्टल्स की फॉर्म में फ्रीज हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या कर दिया उन्होंने कि जब हम इसे कूल करेंगे तो नेप्थिलीन क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग हो जाएगी। फिर देखिए शेष लिक्विड में NaOH सॉल्यूशन मिलाएंगे, अब आप इसमें क्या मिलाएंगे, NaOH का सॉल्यूशन। जब आप NaOH का सॉल्यूशन मिलाएंगे तो सीधी सी बात, जो फिनॉल था, फिनॉल एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है, और ये बेस है बेटा NaOH, एसिड बेस रिएक्शन होगी, H2 रिलीज होगा, यहां जो बनेगा ये होगा सोडियम फिनॉक्साइड, क्या होगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में देखो लिखा है सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्लियर है। तो पहला काम क्या था, सबसे पहले हम कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे, और जैसे ही कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा फिर हम उसमें से क्या लेंगे, लाइट ऑयल छोड़ देंगे, मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन को उठाएंगे और वहां उसको कूल करेंगे, जब कूल करेंगे तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नेप्थिलीन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही नेप्थिलीन अलग हुआ फिर आप उसमें क्या मिला देंगे, NaOH मिलाएंगे, जब NaOH मिलाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, शेष नेप्थिलीन और क्रिसॉल को एयर पास करके रिमूव कर देते हैं। अब जो बचा है, अगर कहीं नेप्थिलीन धोखे से बच गया थोड़ा बहुत, या आपने क्रिसॉल ले लिया तो क्रिसॉल उसमें है, तो अगर इसमें एयर पास करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। शेष लिक्विड को क्या करेंगे, फिर से ठंडा करेंगे, और ठंडा करने से उसमें हम क्या पास करेंगे, CO2 गैस को पास करेंगे, क्या करेंगे CO2 गैस को पास करेंगे, जिसके फलस्वरूप फिनॉल ऑयली लेयर की फॉर्म में, लेयर मींस परत, फिनॉल की एक तेल जैसी परत प्राप्त होगी। देखिए ये है सोडियम मतलब फिनॉक्साइड, इसमें आपने वाटर तो होगा ही होगा, आपने CO2 गैस पास कर दी तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट अलग हो गया, और जो मिला हमें ये हमें क्या मिला, फिनॉल मिला। अब लास्ट में फिनॉल की जो ऑयली लेयर है इसका फिर से आप क्या कराएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे, और ऐसा करने पर 182 डिग्री सेल्सियस पर आपको प्योर फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो मैकेनिज्म पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा, क्या करना है, सबसे पहले आप क्या लेंगे, कोल तार, है ना, कोल तार का क्या कराएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने से हमें मिलेगा मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन, जब मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन मिलेगा इसे क्या करेंगे बेटा, कूल करेंगे, क्या करेंगे कूल करेंगे, तो मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन को कूल करने से हमारा जो नेप्थिलीन है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, याद रखना सेपरेटेड हो जाएगा, हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब जब ये कंडीशन हो गई, इसके बाद आपने इसमें ये सेपरेट होने के बाद फिर आपने जो मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन था इसमें क्या पास कर दिया, NaOH पास कर दिया, ऐसा जब किया तो आपको मिला सोडियम फिनॉक्साइड, क्या मिला सोडियम फिनॉक्साइड। फिर आप क्या करेंगे, इसमें एयर पास कर देंगे तो जो बची हुई नेप्थिलीन है और आपका क्रिसॉल है वो अलग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस सॉल्यूशन में बेटा ये जो आपने ले रखा है इसमें आप पास करेंगे CO2 और H2O तो होगा ही होगा, जब ऐसा करेंगे तो आपको जो मिलेगा फिनॉल मिलेगा प्लस Na2CO3 मिलेगा, ये ऑयली लेयर की फॉर्म में मिलेगा, किसकी फॉर्म में मिलेगा, ऑयली लेयर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोल तार लेंगे, कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे, तो उसमें मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन उठाएंगे, मिडिल ऑयल ऑफ फ्रैक्शन को कूल करेंगे, नेप्थिलीन सेपरेट हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में, फिर आप क्या करेंगे उसमें NaOH मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, CO2 और H2 मिल जाएगा। अब CO2 H2O ये इसको पास करेंगे CO2 गैस को, सोडियम फिनॉक्साइड में CO2 गैस को पास करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और फिनॉल ऑयली लिक्विड की फॉर्म में, ऑयली लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा, ये ध्यान रखना,
लिक्विड की फॉर्म में, ऑयली लिक्विड की फॉर्म में मिल जाएगा। अब इसका फिर से हम क्या कराएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे और फिर 182 डिग्री सेल्सियस पर क्या मिल जाएगा हमें, 182 डिग्री सेल्सियस पर क्या मिलेगा, प्योर फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा देखिए हम क्यूमीन से कैसे बनाएंगे। ये क्यूमीन क्या है? देखिए क्यूमीन कुछ नहीं है, आप लीजिए बेंजीन न्यूक्लियस से यहां CH3 और H, दिस इज क्यूमीन, इसे बोलेंगे क्यूमीन। ठीक है, इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब O2 का इंसर्जन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का CH के बीच में इंसर्जन। यहां पर ये O2 फिट होगा आके और बेटा क्या बनाएगा, ये देखिएगा, ये C, इधर O, इधर O, इधर H, इधर आप देख रहे हैं CH3। अब क्या कराएंगे, अब करा देंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा क्या बेटा, देखो यहां से अगर हम देखें जब यहां से देखें तो बेटा ये जाएगा इधर, इसकी बैलेंसी बिगड़ने लगेगी, ये जाएगा इधर, ये इतना पोर्शन यहां से अलग हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो ये बनेगा CH3 CO CH3, ये हो जाएगा आपका कीटोन। इसके अलावा आपके पास बचा क्या, ये पोर्शन यहां जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा फिनॉल, दिस इज फिनॉल। बात समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है, ये है क्यूमीन से कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए फ्रॉम बेंजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेंजीन से आप लीजिए बेंजीन और इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, H2O2 से, हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएंगे H2O2 से, और जब हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो बेटा ये ऑक्सीजन देगा, यहां हाइड्रोजन और कार्बन के बीच इंसर्जन होगा और फिनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, याद रखिएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज हैं कि फिनॉल एक कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट और स्पेसिफिक ऑर्डर का, जिसे विशेष गंध कहते हैं, कंपाउंड है। मतलब फिनॉल क्या है, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है, क्रिस्टलाइन है, मतलब क्रिस्टल्स मिलते हैं, डेलिक्विसेंट का मतलब होता है पसीजने वाले, जो पसीज जाते हैं उन्हें डेलिक्विसेंट कहते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक ऑर्डर का कंपाउंड है, इसकी जो ऑर्डर है, जो इसकी स्मेल है, वो क्या है, स्पेशल है। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक ऑर्डर होती है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें एक विशेष गंध होती है। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग प्वाइंट है वो कितना है, 42 है, और बॉइलिंग प्वाइंट 180 डिग्री सेल्सियस। फिनॉल की अगर बात करें, फिनॉल किसकी फॉर्म में, अगर देखें फिनॉल के लिक्विड फॉर्म में अगर हम 5% वाटर मिला दें तो इसे कहते हैं कार्बोलिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोलिक एसिड कहते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम फिनॉल के लिक्विड फॉर्म में 5% क्या मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं, ये लाइट या एयर की प्रेजेंस में पिंक कलर का हो जाता है, यानी लाइट या एयर की प्रेजेंस में कैसा हो जाएगा, पिंक कलर्ड हो जाएगा। ये वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल है, जबकि बेटा देखा जाए तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड वाटर के साथ बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, मगर यहां पर है क्या, यहां पर मेन जो पंडा है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वाटर और फिनॉल के बीच क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ये है फिनॉल और ये है आपका वाटर, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग आएगी, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, तो यहां ये जो बॉन्ड है, दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, IMHC। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में सॉल्युबल है।
बाकी तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरीके की हैं। पहली जरा देखिए कि इथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहल की तरह रिजेंबलेंस शो करने वाली, और दूसरी जो होंगी वो इसके साथ जो रिजेंबलेंस नहीं करेंगी। तो पहले हम लोग स्टडी कर लेंगे कि ऐसी रिएक्शंस जो OH ग्रुप के कारण होती हैं, किसके कारण है, OH ग्रुप के कारण है, तो बेटा उन्हें क्या कहेंगे हम, उन रिएक्शंस को अगर हम बात करें तो वो रिएक्शंस हमारी किसके तरह रिजेंबलेंस करेंगे। रिजेंबलेंस का मतलब होता है समानता प्रदर्शित करना, समानता। तो एक समानता प्रदर्शित होगी किसकी तरह, इथाइल अल्कोहल की तरह। इथाइल अल्कोहल में जैसे क्या होता है, इथाइल अल्कोहल में अगर हम बात करें, ये था हमारा इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अगर हम इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें तो बेटा इसका ये वाला H जो है वो निकल जाएगा और ये बन जाएगा C2H5ONA, यानी सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। सेम यहां देखिएगा, अगर फिनॉल के रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम मेटल से तो इसका H निकल जाता है और ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे यहां सोडियम इथॉक्साइड था वैसे यहां सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा रिएक्शन विद PCl5। जरा देखें, अगर मैं बात करूं यहां C2H5OH इथेनॉल या एथाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन अगर हम PCl5 से कराते हैं, तो बेटा होगा क्या, ये OH हट जाएगा यहां से और क्या लग जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम PCl5 की रिएक्शन कराते हैं OH ग्रुप वाले से तो OH हट के Cl लग जाता है। ठीक है, अब यहां पर Cl लग गया। सेम यहां भी देखिए, फिनॉल से अगर हम यहां देखें ये OH लगा हुआ था, तो यहां देखिए ये ऐसे Cl लगाइएगा, ये देखिए ये OH है, यहां से अगर देखें तो PCl5 रिएक्शन करेगा और बनाएगा POCl3 एक मॉलिक्यूल और एक HCl बनाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। जैसे यहां क्या था, क्लोरो इथेन बना था, सेम यहां पर भी सेम वैसे बनेगा, ये बेंजीन का प्रोडक्ट है तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लियर है। इसके बाद देखिए रिएक्शन विद इथाइल मिथाइल आयोडाइड। देखिए मिथाइल आयोडाइड से देखिए रिएक्शन, मिथाइल आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड, देखिए ये मिथाइल आयोडाइड है, इसमें है क्या बेटा, कुछ नहीं है। यहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है SN2 सब्स्टिट्यूशन हो रही। देखो कैसे, ये है मिथाइल आयोडाइड, यहां आई है, यहां एच है, यहां एच, यहां है फिनॉल। देखिए ये हमारा फिनॉल, इसके पास बेटा लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। देखिए ये यहां से यहां इस पर अटैक करेगा, ये यहां से यहां अटैक करेगा। अब जब करेगा कहां, ये बेटा देखो सिग्मा बॉन्ड है तो इसके एंटी सिग्मा पे अटैक करेगा, कहां करेगा, एंटी सिग्मा पे जब अटैक करेगा। आपको याद है मैंने बताया था ट्रांजिशन स्टेट आएगी और यहां से आई बाद में बाहर चला जाएगा, तो कंपाउंड ये बन जाएगा ओ, इधर एच तो रहेगा और ये बन जाएगा आपका CH3। अब एच इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो फर्दर क्या करेगा, ये प्रोटॉन को निकाल देगा और यहां क्या बन जाएगा, दिस CH3। बेटा देखा जाए तो ये क्या है, एक टाइप से ईथर है, मगर ये कैसा है, एलिफैटिक और एरोमेटिक का मिक्सचर है। तो मिथाइल और फिनाइल ईथर है, ये क्या है, मिथाइल और फिनाइल ईथर है। क्लियर है। अब आ जाइए यहां पर, ये देखा जाए तो ये एसिटाइलेशन है, CH3COCl से रिएक्शन। देखो ये लोन पेयर से यहां से अटैक करेगा इस पर और ये Cl बाहर, और आप लगा देंगे इसको, देखो यही तो बना है। ये देखो ये इधर से अगर आप देखें तो ये आपका A स्टेप है और ये वाला आपका यहां से यहां का B स्टेप है। देख लीजिएगा होगा क्या, इसका लोन पेयर इसके यहां पर अटैक करेगा और ये बाप इधर जाएगा, निगेटिव यहां आया, निगेटिव ये फिर वापस आएगा तो Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा। अब ये क्या है, ये भी एक टाइप से ये एस्टर है, क्या है बेटा, एस्टर। क्यों है, क्योंकि देखिए COOR ग्रुप लगा हुआ है तो दिस इज एस्टर, तो एसिटाइलेशन से एस्टर का फॉर्मेशन हुआ।
अब आ जाइए बेंजोइलेशन, बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन, बेंजोइल क्लोराइड से, किससे? बेंजोइल क्लोराइड से। आप देखिए क्या होगा, सेम है, यहां लोन पेयर अटैक करेगा यहां पर, और सीएल बाहर, सीएल बाहर कर दीजिए, बाकी लगा दीजिए, फिनाइल बेंजोएट बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को स्कॉटन बोमेंस रिएक्शन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, किसकी? फिनॉल के बेंजोइलेशन को स्कॉटन बोमेंस रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? अब आया रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। जरा देखिए अमोनिया को कैसे लिख सकते हैं, अमोनिया को लिख सकते हैं NH3 को लिख सकते हैं, बेटा देखो जरा NH2 और इधर H, यही तो लिख सकते हैं NH3 है। अब होना क्या है, इसका ये वाला OH और इसका ये वाला H, क्या निकल गया? H2O रिलीज हो गया। जब H2O रिलीज हो गया तो बेटा यहां NH2 लग गया, ये जो बना है दिस इज एनिलीन, क्या बना? एनिलीन बन गया। क्लियर है? हाँ, एनिलीन बन गया। ठीक है, तो अमोनिया से रिएक्शन होगी तो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? ठीक है, ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन फिनॉल का, प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो अब ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू।